आओ लौट चले गांवों की ओर, प्रकृति की ओर। गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए हम चलते हैं प्रकृति की गोद में, प्रकृति के बिल्कुल करीब, जहां से हमें प्रकृति को ना सिर्फ जानने का मौका मिलेगा, साथ में प्रकृति के साथ बिताए हुए पलों से हमें एक अजीब आनंद और साथ में एक अनुभूति का भान भी होगा। ना सिर्फ प्रकृति के बीच जाकर हम अपनी विशेषकर शहरों में या फिर जो भागदौड़ भरी जिंदगी में जो बिताए हुए पल हैं उनकी स्ट्रेस को भूल पाते हैं, साथ में हम प्रकृति के बीच जाकर प्रकृति के मध्य बहुत सी ऐसी जानकारियों को, बहुत सी ऐसी प्रजातियों को जानने का हमें मौका मिलता है। हम चलेंगे आज राजस्थान के फेफड़ों के नाम से विख्यात जो सरिस्का राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य है वहाँ पर, जहाँ ना सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कि प्रकृति के इस अजूबे के रूप में अनोखे इस प्रजाति के कई वन्य जीवों को, वन्य जीवों के साथ साथ यहाँ निवास करने वाले कई अलग अलग प्रजाति के पक्षियों को यहाँ हमें देखने का अवसर मिलेगा। हम अपनी टीम के साथ आपको लिए चलते हैं सरिस्का के बिल्कुल जंगल के बीचों बीच कई ऐसे स्थानों पर जो काफ़ी रमणीय हैं, दर्शनीय स्थल हैं, जिन्हें देखकर आपको भी लगेगा कि हमारा जो अलवर है उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो काफ़ी देखने योग्य है। तो इसके लिए आपको हम लिए चलते हैं राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य में। आप देख पा रहे हैं कि आप गूगल मैप पे सरिस्का लिखकर सर्च करेंगे तो सीधे आप इस प्रकार सरिस्का राष्ट्रीय अभयारण्य में पहुंच जाएंगे। यहाँ आप सरोवर, यहाँ के जो तालाब या यहाँ के जो जल स्रोत जो लबालब पानी से भरे हुए हैं, साथ में गगन में जब आकाश में जब बादल का जो स्वरूप वर्षा से पूर्व का जब होता है तो आपको भान होता है कि ऐसे प्रकृति बिल्कुल खुशनुमा माहौल के रूप में हमें दिखाई देती है। यहाँ विचरण करने वाले जीव जंतु हैं वो प्रकृति के मध्य अपने आप को एक सुनहरे, एक सुकून भरे वातावरण में पाकर खुशहाल महसूस होते हैं। इनके पानी के पीने के जल स्रोत, जहाँ ये विचरण करते हुए पानी की पूर्ति के लिए या जल ग्रहण करने के लिए इन तालाबों का या फिर ये बने हुए पानी के जो स्थल हैं उनको उपयोग में लेते हैं। फुर्सत के पल जब ये विचरण करने के बाद इनके समीप रहकर अपना कुछ समय व्यतीत करते हैं, देखने को काफ़ी अजीब सा लगता है लेकिन जब इनको देखते हैं, देखो उत्सुकता से ये बिल्कुल निहार रहा है, जब हम इनके आसपास हैं तो इन्हें बिल्कुल सतर्कता के साथ ये देख रहे थे। आप देख रहे हो कि जल स्रोत के बीचों बीच ये बिल्कुल अपने फुर्सत के पल ये जो यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। हमें अपनी टीम के साथ सरिस्का के इस जंगल का भ्रमण करने का अवसर मिला और देखा बिल्कुल सरिस्का को करीब से जाना। आप लोगों को भी हम यही आग्रह करेंगे कि जब भी कभी आपको समय लगे तो आप भी प्रकृति की इस गोद में आकर और हमारे इस सरिस्का को ज़रूर देखें, और साथ में आप यहाँ आकर आपको महसूस होगा कि बिल्कुल हम प्रकृति के बीच आकर कितना आनंदमय एहसास हमें हो पाता है। ये कुछ यहाँ की एक चौकी के ऊपर हमने देखा कि ये जंगल से कुछ जो सींग वगैरह या फिर यूँ कहें कि एक जो टाइगर है उसके पैग मार्क भी हमें यहाँ पर एक देखने को मिला। फिर आगे हमने अपनी टीम के साथ भ्रमण किया और देखा, तो आपको भी हम यही कहेंगे कि हमारे गांववाणी स्टूडियो के इस चैनल को आप लाइक करें और जब भी कभी आपको अवसर मिले तो सरिस्का जरूर आएं और सरिस्का को जानें। तो फिर अगले हफ्ता फिर मिलेंगे हम कुछ नई इसी प्रकार की एक रोचक जानकारी लेकर। तब तक आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।